पबजी कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं पबजी को लेके। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पहले ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या गेम खेलना इतना एक्सेसिव नुकसान है या आप समझते हैं कि ठीक है इट्स ओके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो गाइस पबजी के बारे में एक और नया अपडेट आया है अभी, जिसमें पबजी में अब 6 hours की लिमिट हो गई है, जिसमें आप अगर 6 घंटे से ज़्यादा पबजी नहीं खेल पाएंगे अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे या अपने टैबलेट पे, तो ये रिस्ट्रिक्शंस आ गई पबजी की तरफ से। जैसे 6 घंटे अगर आप एक दिन में खेलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप फर्दर नहीं खेल सकते हैं इसको, और अगले 24 घंटे के बाद ही आप दोबारा 6 घंटे तक खेल सकते हैं। तो गाइस ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि 6 घंटे भी बहुत ज़्यादा है? मेरे हिसाब से तो 1 घंटा काफ़ी था लिमिट लगाना, अब 6 घंटे तो गाइस अगर आप लिमिट लगा भी रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, क्योंकि 6 घंटे अगर कोई भी एक बंदा पबजी खेल रहा है गेम लगातार 6 घंटे, तो मेरे को तो लगता है उसकी आँखों पर कितना फ़र्क पड़ेगा, नुकसान कितना होगा, उसके हाथे चलते रहेंगे, सीवियर पेन होगा बैक में, क्योंकि हम स्टेट फोन में देखते रहते हैं 6 घंटे तक। ऐसे में जो बिल्कुल ही डूबे हुए हैं पबजी के अंदर, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ऐसे में आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी और कम होनी चाहिए थी? 6 घंटे तो मेरे को लगता है मेरी ओपिनियन में कि बहुत ज़्यादा है, और 6 घंटे के मतलब अगर आप नहीं भी लगाते तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 घंटे स्टिल वेरी एक्सेसिव अगर हम एक दिन में एक गेम को दे रहे हैं तो। ऐसे ही में गाइस पबजी में अब मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ इतनी सारी बैन को लेके और क्या कहते हैं अपना अरेस्टिंग को लेके, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं पबजी को लेके। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि पबजी को इतना बड़ा एक इशू क्यों बना दिया, अब तो ऐसा लग रहा है कि एक पॉलिटिकल इशू बन गया देश के अंदर। गाइस कभी कहीं अरेस्टिंग हो रही है पबजी को देख के, कहीं आउटडोर में कोई खेलता हुआ किसी को देख लिया पबजी में, पबजी खेलते हुए गुजरात के अंदर राजकोट के अंदर, जो कि बैन है अभी 30 अप्रैल तक, लेकिन फिर भी लोग खेले जा रहे हैं वहाँ पे, और अगर वो खेलते हुए पकड़े गए तो ऑब्वियसली उनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। तो ऐसे में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या ये इतना बड़ा इशू होना चाहिए गेम को लेकर, इतना बड़ा इशू बना रहे हैं? ठीक है लॉ सबके लिए होने चाहिए, बट इट डजेंट मीन्स कि आप लॉ को इतना बड़ा इशू बना दें गेम को लेके, या लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। इस कितने देश में ऐसे बड़े क्रिमिनल्स हैं, रियल क्रिमिनल्स हैं, जो कि अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं देश के अंदर, तो पुलिस उनको पकड़े ना जाके। एक गेम को लेके आप इतना बड़ा उसको इशू बना रहे हो, और या तो आप टोटली बैन कर दो पबजी को इंडिया के अंदर, अगर मैं अपने देश की बात करूँ तो, मैं दूसरे देश की बात नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप बैन कर रहे हो, बैनिंग तक ठीक है, बट इट डज नॉट मीन कि आप अब अरेस्ट करना शुरू कर दो लोगों को, या लोगों के साथ आप सही ट्रीट ना करो कि पबजी खेल रहा तो जैसे उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, इसको एक क्रिमिनल इशू मत मानिए। तो मेरा यही कहना है, इसकी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि 6 घंटे की रिस्ट्रिक्शंस भी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ गेमिंग इन वन डे। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बेकार आइडिया है, बहुत ही बेकार लॉ है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं आप ज़रूर बताइएगा मुझे।